गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं भारती और वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। तो आज की वीडियो जो मैं है शूट कर रही हूं अपनी मम्मी के घर से कर रही हूं, और शुरुआत में ये आपको बोगनविलिया के सुंदर सुंदर फूल दिखा रही हूं। ये देखिए कितने प्यारा शेड है, ये भर भर के इसमें फूल आते हैं। अभी इसमें थोड़े फूल हैं और ये देखिए, ये एक छोटी सी बाल्टी में ग्रो किया हुआ है और बहुत अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी। और उसके बाद है ये मैरीगोल्ड के, और ये जो है मॉस रोज है, और ये फिर से मैरीगोल्ड, और ये कॉक्सकॉम का फूल है, और ये कनेर के हैं। और इन कनेर के प्लांट्स को जो है मैंने कटिंग से ग्रो किया था, इसको पूरा एक साल हो गया था, लास्ट जुलाई में मैंने इनको ग्रो किया था। और ये एक स्टॉक नज़र आ रही है आपको उसकी, रजनीगंधा की, इसकी भी फ्लावरिंग शुरू होगी अभी, खिल जाएंगी ये कलियाँ बनी हुई हैं प्रॉपर। और इसके बीच में ये सदाबहार का है, और ये एक मोगरा है, ये एक मोगरा की वाइन है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अभी इस टाइम पे फ्लावरिंग इसकी ख़त्म हो चुकी है, और ये फिर से शुरू हो जाता है कनेर का प्लांट, इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो किया था। ये सब एक साथ मैंने लगाए थे, और देखिए इसकी जो ग्रोथ है कितनी अच्छी चल रही है, भर भर के इसमें फूल आ रहे हैं कनेर के, और ये पिंक कलर में है, डार्क पिंक कलर में। और ये देखिए पूरा एक साल हो गया इसको ये ग्रो किए हुए, और इसके जो है सीड पॉट भी बन चुके हैं, ये देखिए। और ये बहुत सारे इसमें जो है सीड स्पॉट जो है बन चुके हैं, ये सारे सीड्स हैं। तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ है, इनको कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं दिया जाता। मेरी मम्मी के गार्डन की जो सॉइल है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी कुछ नहीं देते वो। और ये देखिए, ये तुलसी का प्लांट है, और इसके अंदर भी ये कनेर लगा हुआ है, इसमें बहुत सारी कलियाँ आ चुकी हैं, और फ्लावरिंग ये काफ़ी कर चुका है, अभी और करेगा। और ये देखिए कुछ छोटे से डब्बे में कनेर की कटिंग लगाई हुई है, और ये देखिए कितने फूलों से भरा हुआ है। अभी जो आपको टक टक की आवाज़ आ रही है बीच में, ये बारिश है, बारिश चल रही है। तो और ये है कोलोनचो, इसमें भी बहुत फ्लावरिंग होती है, बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है, और ये भी छोटे से डिब्बे में लगा हुआ है। इसके साथ है स्वीट पोटैटो वाइन, ये भी एक कंटेनर में लगाया हुआ है, और इसी कंटेनर में जो है वाइट कलर की कनेर है, बहुत ही खूबसूरत। और एक साथ में और छोटा डिब्बा है जिसमें कनेर है, और ये है सकुलेंट, ये भी मैंने ही मम्मी के घर में लगाया था, इसकी भी ग्रोथ जो है बहुत अच्छी चल रही है, और ये दिखने में स्नेक जैसा है। और इसी के साथ जो कंटेनर है उसमें लगा हुआ है कोलोनचो का, और इसी के बीच में मम्मी ने लगाई हुई है सॉन्ग ऑफ इंडिया की कटिंग, और ये भी अच्छे से चल रही है, और ये भी कोलियस है। और ये साथ में जो है हमारा क्या बोलते हैं इसे, सॉरी इसका नाम मैं भूल गई हूँ, तो ये एक विंटर्स का है प्लांट, तो देखिए गजनिया, हाँ गजनिया नाम है इसका। तो ये मम्मी कभी भी निकालते नहीं है, ऐसे रखते हैं, एक ही बार लगाया था उसके बाद नहीं निकाला इसको, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इसमें। और ये जो समर में भी जो है कलियाँ छोटी छोटी प्रोवाइड करता रहता है ये देखिए, और विंटर्स में तो इसकी जो फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी होती है। और उसके बाद है ये फॉर्न, इसको मैंने मैंने ही लगाया था अपने घर से, थोड़ी सी जो लाकर इसकी पौध लगा दी थी। उसके बाद आती है ये पीपल की बारी, ये मेरी मम्मी ने लगाई, इसका हम बोनसाई बनाएंगे। तो अभी हम इसका चाहते हैं कि जो स्टेम है थोड़ी मोटी हो जाए, और ये साथ में जो सदाबहार के फ्लावर्स हैं
लगे हुए, और इसी के साथ में जो है थोड़ी सी बेबी टेयर्स की है कटिंग, थोड़ी सी कॉर्न है और सदाबहार है, और ये एक हेज प्लांट है, ये मैं नर्सरी से लाई थी तो ये सूख गया था, इसको काफ़ी टाइम लगा है इसे बनने में, तो इसकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी लग रही है। और ये देखिए दही की जो आती है कंटेनर, उसमें जो कोलियस लगाया हुआ है मम्मी ने, और साथ में ये पॉट में है स्वीट पोटैटो वाइन, और ये है एक हेज प्लांट, इसी के साथ ये लिली का प्लांट है, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं। और ये देखिए एक पॉट था तो ये टूट गया था, इसको नीचे से ऊपर लाकर मम्मी ने इसमें ये कुछ कटिंग्स लगा दी मिट्टी भर के। और ये देखिए एक कंटेनर है और इसमें बैंगल लगे हुए हैं, ये देखिए कितने अच्छे, और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो अभी चलते हैं ऊपर की तरफ, ये कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं सदाबहार के, और कुछ ये देखिए मॉसरस वगैरह, टोटल वाइन सब लगाए हुए हैं मम्मी ने, बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और आपको गार्डनिंग के लिए कुछ भी महंगे पॉट्स की ज़रूरत नहीं है, ये देखिए कितना अच्छा है, और जो मम्मी के गार्डन की मिट्टी है इतनी अच्छी है, थोड़ा सा भी प्लांट लगाते हैं तो इतना फैल जाता है। ये देखिए सारे कंटेनर्स में है, छोटे छोटे कंटेनर्स में, और मॉसरोज जो है कितनी अच्छी फैली हुई है, और ये एक बाल्टी में जो है टर्टल वाइन, नीचे उसकी लेयर है मॉसरोज की और ऊपर लेयर आती है टर्टल वाइन की, और उसके बाद जो बीच में है हमारा जो विंटर्स का है ये प्लांट, देखिए कितनी अच्छी ये लुक दे रहा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही ग्रो किया हुआ है ये अच्छे से। और ये कप की जो थर्मोकोल आती है उन सब में मम्मी ने ये लगाए हुए हैं। और ये है बेबी सन रोज, और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रो चल रही है इसकी, ये एक छोटे सी जो होती है हमारी बोनसाई वाला पॉट, उसमें लगाया हुआ है मम्मी ने, और ये देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। और ये भी है मॉसरोस, ये देखिए कितना फैला हुआ है, और ये स्टेयर्स में मम्मी ने कुछ रखे हुए हैं प्लांट्स मॉसरोस वगैरह की, और ये कॉप्सकॉर्न के सदाबहार वगैरह जो भी है सब, और ये कोचिया है, और ये कुछ कंटेनर मम्मी ने लगाई हुई है मैरीगोल्ड की वाइन, और नीचे है कुछ मॉसरोस, ये मैरीगोल्ड, और ये पुदीना है, पुदीना देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसमें शूट्स काफ़ी नज़र आ रहे हैं, और ये छोटी छोटी बॉटल्स में, और ये टर्टल सॉरी बेबी टेयर्स देखिए कितना अच्छा ग्रो किए हुए हैं, और ये देखिए छोटी छोटी बॉटल्स में, और ये साइड में एक पॉट में है फर्किरिया का, साथ में साइप्रस वाइन है, मैरीगोल्ड है, मनी प्लांट है, काफ़ी प्लांट्स एक ही साथ लगाए हुए हैं। और ये देखिए मनी प्लांट, साथ में है एक चंपा का प्लांट प्लूमेरिया, इसमें वाइट चंपा आएगी, और इसी के साथ ये देखिए कितनी अच्छी ग्रो कर रही है अपनी मॉर्निंग ग्लोरी, और ये ऊपर तक जा चुकी है, ये कुछ ही टाइम हुआ है लगाए हुए। और इस साइड आ जाते हैं, ये है मम्मी ने लगाए हुए सकुलेंट, ये भी अच्छी ग्रो चल रही है, और ये बॉटल में सिस्टम में पेंट किया, इसमें सिंगोनियम लगाया हुआ है, और ये भी सिंगोनियम का है, और ये देखिए स्पाइडर, साथ में ये कुछ प्लांट्स जो है लगाए हुए छोटी छोटी, और ये इस साइड मनी प्लांट है, ये भी छोटे से पॉट में लगी हुई है, ये देखिए कितनी फैली हुई है ऊपर तक, यहाँ तक फैली हुई है। उसके बाद ये जो स्वीट पोटैटो वाइन पर्पल कलर की है, पर्पल हार्ट, और ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है इसकी,
और ये इतनी ऊपर तक जा रही है और इतनी बढ़ रही है, इसका कोई मतलब संभाला नहीं जा रहा, इतनी बढ़ रही है।